अगर आपको अपने CSE अकाउंट में कुछ अपडेशन करनी है, जैसे कि नेम अपडेट करना, बैंक अकाउंट अपडेट करना, फोटो अपडेट करना, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी अपडेट करना, CSE अकाउंट का पासवर्ड अपडेट करना या फिर उसको चेंज करना, CSE आईडी कार्ड या फिर CSE सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, ये सारे काम आप अपने CSE अकाउंट से कर सकते हैं। तो गाइस वेलकम बैक टू वन सॉल्यूशन, मैं हूं प्रिंस और आज की वीडियो में हम CSE अकाउंट को मैनेज करने का कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अपने CSE अकाउंट को मैनेज करने के लिए आपको register.cse.gov.in पर आ जाना है। यहाँ पर आपको माई अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। आप यहाँ पर अपनी CSE आईडी टाइप करेंगे, यहाँ से आप फिंगरप्रिंट को सेलेक्ट करेंगे और ये वाला कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे, जैसा भी लिखा हुआ है इस वाले बॉक्स को चेक करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। आपको कंप्यूटर के साथ कोई फिंगरप्रिंट डिवाइस अटैच कर लेनी है, जैसे कि मैंने की हुई है मंत्रा डिवाइस। आप यहां से इस बॉक्स को चेक करेंगे, फिर आपको स्टार्ट कैप्चर पर क्लिक करना है। आपकी फिंगरप्रिंट डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगी, आप उस पर अपनी फिंगर को स्कैन करेंगे और कैप्चर सक्सेस होने के बाद आपके अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा। आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है तो आप KYC अपडेट पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी अपडेट करनी है तो आप कम्युनिकेशन डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। आप यहां पर जो भी मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर यहां पर टाइप करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो आप यहां पर टाइप करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरह अगर आप ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हैं तो अपनी ईमेल आईडी यहां पर टाइप करेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड जाएगा, वो आप OTP टाइप करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगी। वेरीफाई होने के बाद आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों अपडेट हो जाएंगे। अगर आपको अपना फोटो अपडेट करना है तो आप यहां पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और इमेज चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपको अपना नेम अपडेट करना है तो आप नेम पर टिक करेंगे, यहाँ पर आप अपना नेम ऐड करेंगे जैसा भी आधार कार्ड पर लिखा हुआ है और अपडेट पर क्लिक कर देंगे तो आपका नेम यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अब अगर आपको अपनी फोटो अपडेट करनी है तो आप यहाँ इमेज पर टिक करेंगे, आपको जो भी फोटो अपडेट करनी है वो आपको अपलोड करनी होगी। आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे और अपना फोटो सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। आप जो भी फोटो अपलोड करेंगे उसका साइज 20 KB से ज्यादा ना हो। अपलोड करने के बाद आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो भी अपडेट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको अपनी बैंकिंग डिटेल्स अपडेट करनी है तो आप बैंकिंग डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, जो भी अकाउंट आपको रखना है उसकी डिटेल्स आप यहां फिल करेंगे। प्रूफ के लिए आप कैंसिल चेक, पासबुक या फिर कोई स्टेटमेंट यहां पर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद अपडेट करेंगे तो आपकी बैंकिंग डिटेल्स भी अपडेट हो जाएंगी। अगर आपको अपने CSE अकाउंट का पासवर्ड अपडेट करना है तो आप अकाउंट सेटिंग पर क्लिक करें, यहां पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, डिजीमेल पासवर्ड और कनेक्ट पासवर्ड। अगर आपको डिजीमेल का पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहां पर टिक करेंगे, यहां पर आप अपना न्यू पासवर्ड टाइप करेंगे जो भी आप रखना चाहते हैं, फिर उसको कंफर्म करने के लिए रीटाइप करेंगे और अपडेट डिजीमेल पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे, आपका पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको CSE अकाउंट का पासवर्ड अपडेट करना है तो आप कनेक्ट पासवर्ड पर क्लिक करें। अगर आपको अपना पुराना पासवर्ड याद है तो आप यस करें, अगर याद नहीं है तो नो पर टिक करें। आपके सामने OTP के लिए ऑप्शन आ जाएगा, आप यहां पर मोबाइल पर टिक करें और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो आप यहां टाइप करेंगे और वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपको न्यू पासवर्ड टाइप करना है, फिर उसको रीटाइप करना है कंफर्म करने के लिए और अपडेट कनेक्ट पासवर्ड पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपके CSE अकाउंट का पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। अगर आपको अब अपना CSE सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है जिसको आप अपनी शॉप पर लगा सकते हैं एक प्रूफ के लिए कि आपके पास CSE सेंटर है, तो आप यहां सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। आप इसको यहां से PDF में सेव कर सकते हैं। अगर आपको अपने CSE का आईडी कार्ड डाउनलोड करना है तो आप आईडी कार्ड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आईडी कार्ड आ जाएगा। आप इसको भी यहां से PDF में सेव कर सकते हैं या फिर आप इसको PVC पर भी प्रिंट करा सकते हैं, आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड की तरह।
अगर आपको अपने CSE सेंटर की लोकेशन चेंज करनी है तो आप यहां लेट लॉन्ग पर क्लिक करेंगे। यहां पर आप पॉइंट ऑन मैप पर क्लिक करेंगे, आपका CSE सेंटर जहां भी है आप इसको वहां पर पॉइंट कर देंगे और फिर अपडेट पर क्लिक कर देंगे तो आपके CSE सेंटर की लोकेशन भी अपडेट हो जाएगी। तो गाइज इस तरह से आप अपने CSE अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, अपना ID कार्ड या फिर CSE सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी कोई भी डिटेल यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।